पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा अहम इशू है कि अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसकी जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन पे मजहबी आज़ादियों के हवाले से बड़ी तश्वीश का इजहार किया जाता है। पहले मैं ज़रा बता देता हूँ आपको कि वो किस तरह की तश्वीश का इजहार की। एक है जी US पॉलिसी ऑन ह्यूमन राइट्स एंड रिलीजियस इशूज़ इन पाकिस्तान, ये ज़रा एक क्लिप सुनवा दें। We regularly engage with our Pakistani counterparts on issues of human rights, including religious freedom and the treatment of religious minorities. We remain concerned by continued incidents and reports of systematic ongoing violations of fundamental religious freedoms. We have made this clear not only in Pakistan's designation as a country of particular concern, but also in the department's annual International Religious Freedom Report and Country Report on Human Rights Practices. अच्छा डॉक्टर हुमा बकाई साहब, अगर कैमला हैरिस जीतती हैं, तो ये जो इश्यूज़ हैं जिनका जिक्र स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने किया है, पाकिस्तान पे प्रेशर बढ़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा जी। नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान क्या किसी भी मुल्क को जब उसको ज़रूरत होती है तो इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के जब जमहूरियतें नहीं थी तो ताल्लुकात इंतहाई मजबूत थे अमेरिका के साथ। रिपब्लिकन्स हमेशा हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट्स के साथ बहुत कंफर्टेबल रहे, तो आज भी अगर सूरत हाल कुछ इस तौर तब्दील होती है कि अफगानिस्तान में फुटहोल्ड के लिए उन्हें पाकिस्तान की ज़रूरत है, या ईरान के साथ जब खलिश बढ़ती है और रीजनल वॉर का कोई सूरत हाल इमर्ज होती है, तो पाकिस्तान को रोप इन करने की कोशिश हर सूरत की जाएगी। तो पाकिस्तान एक दफ़ा फिर अफगानिस्तान में किसी प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा बन जाएगा या नहीं बनेगा, इनकार कर देगा? इनकार करने की पोजीशन में आप हैं नहीं। हमने माजी में एक दो दफ़ा इनकार किया, फॉर एग्जांपल जब मुशर्रफ साहब से कहा गया था कि इराक़ में फ़ौजें भेजें तो उन्होंने मजबूरी इजहार किया था, उनका हम नहीं भेज सकते और नहीं भेजी थी। लेकिन मैं नहीं, वो भेजना चाहते थे लेकिन जी मैं ये नहीं कहना चाह रही थी। हाँ, फौज के अंदर से रेजिस्टेंस आई थी। कि ये ह्यूमन राइट्स वॉच, एक तो अमेरिका का अपना मॉरल हाई ग्राउंड इन हवाले से डाइल्यूट हो गया, जो मिडल ईस्ट में हुआ, जो गजा में हुआ, उसके बाद उनका शक्ल ही नहीं रही है कि वो मुझसे और आपसे ह्यूमन राइट्स की बात करें। इंडिया के हवाले से भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स आते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस है वो इसी तौर चलती है। आज भी अगर पाकिस्तान के साथ कोई ज़रूरत का रिश्ता बन जाए तो ये तमाम चीज़ें पशेपस चलती। आप इत्तेफाक करते हैं शाहिब साहब? जी, ज़ाहिर ज़रूरत का रिश्ता, और आप जो कह रहे थे कि अगर कोई प्रॉक्सी वॉर शुरू होती है सन क्या करेगा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अगर हम हिस्ट्री देखें तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है कि हम फैसला करने की पोजीशन में होते हैं। ऐसा लगता है हम तो इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें दोबारा मौका मिले अमेरिका के करीब जाने का। और ज़ाहिर अमेरिका पावरफुल है, और जहाँ तक बात हो रही थी कि अमेरिका की कोई शक्ल नहीं रह गई है, बिल्कुल शक्ल तो कोई नहीं रह गई है, मगर जो पावरफुल होता है उसी के हिसाब से रूल्स ऑफ द गेम सेट होते हैं, और अमेरिका पावरफुल है। अगर कोई वजह है कि दुनिया के एक एक बिजनेसमैन और दुनिया की सारी इकोनॉमीज़ अमेरिका के साथ सोती हैं और अमेरिका के साथ उठती हैं, उनकी मार्केट्स को देख के सोती हैं, उनकी मार्केट्स को देख कर उठती हैं, और इस वक्त सब सोएंगे अमेरिका के इलेक्शन को देख कर और सब उठेंगे अमेरिका के इलेक्शन को देख कर, दिस प्रूव्स कि अमेरिका कितना अहम है। और वो अहम है, वो एक उसका इकोनॉमिकली भी बहुत पावरफुल है और मिलिटेरीली भी बहुत पावरफुल है, जिसकी वजह से जाहिर है सब उनकी गुड बुक्स में ही होना चाहते हैं, और ये चॉइस आप कम ही एक्सरसाइज कर पाते हैं कि आप किस तरफ खड़े होंगे, या फिर उनके मॉरल ग्राउंड को हम कितना भी जज कर लें मगर वो हमें जज करके बाकायदे तौर पर फैसले करने की सलाहियत रखते हैं, हमें शायद उस सलाहियत नहीं। लेकिन शहजाद इकबाल साहब, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो भी अमरीका का सदर आता है, वो हम देखते हैं कि इंडिया के ज़्यादा करीब होता है, तो इसके बावजूद हम 2024 में भी इस पोजीशन में नहीं है कि हम अमेरिका की जो है टेंशन कबूल करने से इनकार कर दें? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ना सिर्फ अमेरिका के लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और इसीलिए आपने देखा जो अभी हुमा बकाई साहबा ये मिसाल दे रही थी कि ईरान पर सैंक्शन हो तब भी वो उससे तजारत करता है, रशिया पसंद नहीं अमरीका को तब भी रशिया से ऑयल खरीदता है। हमें बड़ी मुश्किल भी थी गैस या ऑयल उनके साथ डील करने में, और आपको पता है जब ये सारा हुआ था, जब रशिया गए थे इमरान खान साहब, तो एक बैकलैश भी आया था अमेरिका की तरफ से, उन्होंने पसंद नहीं किया था इसको। तो हम तो वो हैं जो कहते हैं $1 बिलियन दे दो, $7 बिलियन दे दो। जब IMF के पास भी जाना होता है तो हम लॉबिंग अमरीका के थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो हम तो उस पोजिशन में ही नहीं है, हमारा कंपेरिजन मेरे ख्याल से इंडिया से बनता नहीं है सवाल से। अच्छा सुहेल बड़ाई साहब, कमला जीत जाती हैं, आपने क्योंकि कमला देवी के बारे में बताया तो इसलिए मैंने कमला देवी कहा। नहीं ठीक है, तो कमला देवी अगर नहीं, असल हमारे एशियन है तो उसी नाम से पुकारे ना, नाम क्यों बिगाड़ के पुकारते अच्छा। कमला हैरिस नहीं, कमला देवी असल नाम, कमला देवी। तो वो अगर देवी जीत जाती है तो
पाकिस्तान में इंसानी हकूक की सूरतयाल पे वो ज़्यादा कोई शोर वोर तो नहीं मचाएंगी? देखिए, अमेरिका जो है एक बड़ा मुल्क है और बड़े मुल्कों की अपनी मसलतें होती हैं। उन्होंने कई डिपार्टमेंट बनाए, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट भी है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट भी है, पेंटागन भी है, तो वो सारे काम करते रहते हैं। इस वक्त किसकी ज़रूरत पड़ जाए? अगर पाकिस्तान से तलकात ख़राब होंगे तो ह्यूमन राइट्स इशू भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाएंगे अगर अच्छे होंगे। और दूसरी, मैं जो बात चल रही थी उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ। देखें, पाकिस्तान के 75 साल का आप जायज़ा लेना तो पाकिस्तान की आज तक जितनी डेवलपमेंट है वो हमेशा बैरूनी कर्जे से हुई। पाकिस्तान के सारे बजट खसारे में थे, कोई एक भी बजट सरप्लस नहीं है। तो आपकी तो शुरू से इकॉनमी वार इकॉनमी है, तो आपको तो वारों की वजह से तरक्की हुई है यहाँ। अगर वारें ना होती तो पाकिस्तान को तो कोई इमदाद ही ना देता। तो इसका मतलब है कि वारे ना हो तो हमारे वारे न्यारे नहीं हो सकते। यही तो प्रॉब्लम है कि आप वार से निकले, खुदा के लिए कोई और रास्ता निकाले। तो 75 साल से तो वार से तो डोनाल्ड ट्रंप सूट नहीं करता हमें, वो तो जंग बंदी की अगर बात करता है उसको करेगा तो क्या करेंगे।